बताए हैं हमारे दोनों ही जानकारों ने, उसमें इंफोसिस और आईटीसी, ये वो ग्रोथ ओरिएंटेड डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर आप कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। एसबीआई और टोरेंट फार्मा जो हायर लेवल से करेक्ट हो चुका है और यहां पर भी अच्छी वैल्यूज में देखने को मिल सकती है। जीएसपीएल, थॉमस कुक, भले ये अंडरवैल्यूड है, अभी इन्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन सिचुएशन पलटेगी तो यहां पर भी कुछ रिएक्शन या इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और आखिरी में भारती एयरटेल और राजरतन ग्लोबल अब लेवने सेगमेंट के लीडर्स हैं और उस लीडरशिप पर मार्केट शायद इनको आगे चल के एक अच्छी तवज्जो देगा, एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। 8 शेयर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसकी तस्वीर भी ले सकते हैं और इसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा भी बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीवान साहब आपका भी और हिमांग सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और तमाम शेयर हमें बताने के लिए। तो मार्केट में करेक्शन है और इस करेक्शन में ये कुछ स्टॉक्स जिनको आप ध्यान में रखें, नजर में रखें, अपने पोर्टफोलियो में का हिस्सा बनाएं और शायद आने वाले समय में अच्छे टारगेट्स भी अचीव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसी नोट के साथ जनरेशन, कैश फ्लो जनरेशन लगातार ईयर आफ्टर ईयर कर रहा है, उसका कारण यह है कि डिविडेंड, जहां तक डिविडेंड का सवाल है, ये इतना कैश जनरेट करता है और जो आपके बड़े लोन ग्रोथ देख लो आप, कलेक्शन एफिशिएंसी देख लो, डिपॉजिट की ग्रोथ देख लो, जो है मिलता हुआ आपको दिखेगा। सही बात है, 2300 के लेवल से इसने चलना शुरू किया, 2700 गया एसपीएल में आप देख सकते हैं और कई सारे तर्क आपको बताए हिमांग सर ने जिसके आधार पर आप इसे देखिए। जो एक एक चरण गया उसमें इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया बिना कोई कमाई के, लगातार पिछले एक साल में मार्केट शेयर काफी अच्छा अचीव किया है, इवन 4G का आप देखे, और ये एक एक बहुत ही अहम पार्ट है टायर्स का कि इसके बिना मैन्युफैक्चर हो नहीं पाता।